कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। जैसे कि दोस्तों, हम सभी जानते ही हैं, कोरोना की तीसरी लहर देश में एक बार फिर से हावी हो गया है और इसको देखते हुए सरकार ने कई नियम लागू किया है। यहाँ तक कि गरीबों के लिए कई योजना भी चलाई जा रही है। उसमें से एक योजना है ई श्रम कार्ड योजना। यह योजना के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। आपको बता दें, 26 अगस्त 2021 को केंद्रीय रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। ई श्रम पोर्टल पर प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक और प्लेटफार्म श्रमिक सहित असंगठित श्रमिकों आदि का नेशनल डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे कि इन सभी श्रमिकों तक सरकार द्वारा शुरू की गई अलग अलग योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। अभी तक इस पोर्टल पर देश भर में 3 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों ने अपना पंजीकरण करवाया है। श्रम योजना के तहत श्रमिकों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक यदि किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो इस बीमा योजना के तहत वह 1 लाख का हकदार भी होगा। अगर आप भी ई श्रम कार्ड योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ई श्रम पोर्टल पर जाकर तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर व कैप्शन कोड भरना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको OTP बॉक्स में भरना होगा। अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने आपके आधार की डेटाबेस से आपकी फोटोग्राफ एवं अन्य जानकारी आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी। इसके बाद आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कार्य और कौशल, बैंक खाते की जानकारी। आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। डिक्लेरेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपको इस जानकारी को चेक करना होगा। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएगा, जिससे आपको OTP बॉक्स में दर्ज करके वेरीफाई यानी पुष्टि करके विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। कोरोना से बचने के लिए खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। दिन में 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथों को धोए। खांसते और छींकते समय एक टिश्यू पेपर या रुमाल का जरूर से इस्तेमाल करें। यदि किसी को खांसी या बुखार हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें, तभी हम इस कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।